जय हिंद साथियों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 12 जुलाई 2021। 12 जुलाई को हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम एक ये सीरीज चला रहे हैं, तो डेली मैं आपको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ, उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो आज भी मैं 3 तथ्य लेके आया हूँ जिन पर हम बातें करेंगे। आइए एक एक करके हम उनको देखते हैं। पहला जो था, नेहरू सरकार ने आरएसएस से प्रतिबंध हटाया। क्या कारण था नेहरू सरकार ने आरएसएस से प्रतिबंध हटाया और आरएसएस में प्रतिबंध लगा क्यों, हमें यह जानने की जरूरत है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एमके गांधी, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम सब लोग जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, नाथुराम गोडसे जिन्होंने इनको मारा, तो और वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उसके बाद से आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, आपातकाल में, जब आपातकाल के समय में 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था और उसके बाद से 1992 में 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद से आज ही के दिन, ठीक है, 12 जुलाई को ये प्रतिबंध हटा दिया गया था 1992 में। ये 6 माह लगने के बाद से 12 जुलाई 1992 को आरएसएस से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था और उसके बाद से ये लोग अपना कामकाज सुचारू रूप से आगे चला सकेंगे, ऐसा इनको गो अहेड मिल गया था। तो ये थी पहली वो घटना। दूसरी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से इसको स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान ने इसको एक देश के रूप में माना। तो क्या था भारत का, वो तो एक बात की बात थी, लेकिन भारत बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ था जो यादगार है। तो भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री बस सेवा शुरू की गई थी। बस सेवा एक ऐसा बस सर्विस जो इंडिया से बांग्लादेश बस में बैठ करके जा सकते हैं, ये सेवा शुरू की गई थी आज ही के दिन 2001 में, 12 जुलाई सन 2001 को। सबसे पहले ये अगरतला से ढाका तक चलाया गया था, ये 2001 में, 12 जुलाई 2001 को ये ढाका से परमानेंट सर्विस कर दी गई थी। सबसे पहले 1999 में कलकत्ता से ढाका के लिए चला गया था, बट एक दिनों चलने के बाद से बंद हो गया था। उसके बाद से 2001 में इसको रेगुलर कर दिया गया। तो अब इस टाइम पे जो सर्विस है वो है अगरतला से ढाका के लिए, आप जा सकते हैं। और उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2021 में एक मैत्री सेतु भी बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसका उन्होंने उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो मार्च 2021 में हमारे मोदी जी ने मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बिमल राय ने हिंदी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। कौन थे बिमल राय जी? बिमल राय जी हिंदी फिल्म के एक निर्देशक थे जिनका जन्म आज ही के दिन अर्थात 12 जुलाई 1909 को कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, आज ही के दिन बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना करियर कलकत्ता के न्यू थिएटर स्टूडियो में बतौर असिस्टेंट कैमरामैन शुरू किया था। उसके बाद से 1944 में उदयर पाथे ये फिल्म है, उदयर पाथे नामक फिल्म से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। अगर हम फिल्म की बात करें तो इन्होंने फिल्म बनाई थी 1944 में इन्होंने फिल्म बनाई। उसके बाद से 1954 में 2 बीघा जमीन के लिए इनको कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। कान फिल्म फेस्टिवल जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक फेस्टिवल होता है, जहाँ पे सारे फिल्म के निर्देशक और जो भी कलाकार होते हैं वो लोग जाते हैं, जो फिल्में होती हैं कैटेगरी अकॉर्डिंग उनको सम्मानित किया जाता है। तो जो 2 बीघा जमीन था 1954 में बनाई गई थी मिस्टर राय के द्वारा, उस फिल्म को भी वहां पे सम्मानित किया गया। इसके बाद से परिणीति, मधुमिता, देवदास, ये 3 फिल्में इन्होंने बनाई और ये फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं।
आज तक अगर हम बात करें इनके फिल्म करियर की तो इनको 11 फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। 11 फिल्म फेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है बिमल राय जी को। 8 जनवरी 1996 को इनका मृत्यु हो गया, इन्होंने अंतिम सांस ली और ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो दोस्तों ये थी वो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जिनकी हमने बातें करी हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।